जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सालिक है। आज की इस वीडियो में हम अगेन बात करेंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर। याद रखिएगा कि अगर इसके यूजर्स की मैं बात करता हूं कि एक्टिव यूजर लगभग 95 करोड़ है, और साथ ही इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 10 करोड़ जो है वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर ही मौजूद है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी यहां पर गुंजाइश निकल के आ रही है। न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही है कि टेलीग्राम इंडिया के अंदर बैन हो सकता है। और ये मैंने सबसे पहले अपने चैनल के अंदर आपको बताया था कि आपने इसका अल्टरनेट जो है वो पहले से ढूंढ के रखना है। अब यहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 3.40 करोड़ जो लोग हैं वो लगभग रशिया से है, 2.72 करोड़ जो लोग हैं वो इंडोनेशिया से है, और अगर 2.68 करोड़ जो लोग हैं वो यूएसए से है, और साथ ही अगर मैं बात करूँ ब्राज़ील से और फ्रांस से तो लगभग 2.20 करोड़ ब्राज़ील से है। और जहां पर इनको गिरफ्तारी की गई दी गई और फ्रांस यानी कि फ्रांस वहां पर जो है वो लगभग 65 लाख यूजर एक्टिव मौजूद है। अब सवाल यहां पर ये सबसे बड़ा ये आता है कि जहां पर फ्रांस के अंदर इनकी खुद की नेशनलिटी भी मौजूद है, यानी कि ये दो नेशनलिटी रखते हैं, एक रूस की दूसरी जो है वो फ्रांस की, और फ्रांस के अंदर जो है वो इन्हें गिरफ्तारी दे दी गई है क्योंकि बड़े सीरियस एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो फेक न्यूज को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है, टेलीग्राम के ऊपर जो है वो सब्सक्रिप्शन दे के बहुत सारी गंदगी चीजें जो है वो फैलाई जाती है। और उसके बाद भी अगर मैं बात करता हूं तो लगभग बॉट वगैरह का भी सिलसिला जो है वो टेलीग्राम के अंदर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। और उसके बाद दीगर और भी बहुत सारी एलिगेशंस लगी है, वी ऑल नो, हम सबको पता ही है। 39 ईयर ओल्ड पावेल ध्रुव जो है वो लगभग अब गिरफ्तार हो गए। अब ये एलिगेशन जो है वो अगर प्रूफ हो जाते हैं इनके ऊपर तो याद रखिएगा कि करीब फ्रांस के अंदर 20 साल की इन्हें जेल हो सकती है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये अब तक प्रूफ नहीं हुई है। ठीक है, प्रूफ नहीं हुई है, इसीलिए टेलीग्राम अब तक बैन नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर ये चीजें कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि प्रूफ हो जाती है तो याद रखिएगा प्रूफ होने के बाद ही कोई भी एप्लीकेशन जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर बैन हो जाती है। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रीजन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि टेलीग्राम ट्विटर जो है वो एक्स जो है वो पाकिस्तान में बैन है, बिल्कुल इसी तरीके से टिकटॉक जो है वो इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। ठीक है ना, अब अगर मैं मजीद थोड़ा सा मुख्तसर सा आगे बढ़ता हूँ, और ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारी न्यूज जो है वो कन्फर्म भी हुई है कि टेलीग्राम के ऊपर जो है वो यूपीएस टेस्ट होते, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस टेस्ट होते हैं जहां पर उनके पेपर जो है वो भी लीक किए गए, और वो कहां पर मौसूल हुए लोगों को, टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर। और साथ ही अगर मैं बात करता हूँ टीसी नेट, उनके भी जो है वो पेपर्स, एग्जाम्स पेपर जो है वो क्या हुए, लीक हुए, और वो कहाँ से लोगों को मौसूल हुए, वो कहाँ मौसूल हुए, टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मौसूल हुए। ठीक है, अब ये केस जो है वो किस तरफ रुख लेता है ये देखना ये है, लेकिन याद रखिएगा कि यूजर्स तो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर से मौजूद हैं। कोई भी चीज़ याद रखिएगा गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल आपको सही या गलत की तरफ ले जाता है, हलाल या हराम की तरफ ले जाता है, लीगल और इलीगल की तरफ ले जाता है। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप तरीके से जस्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो गुड टू गो, इसमें कोई पाबंदी, कोई गलत नहीं है। तो अब बात यहाँ पर ये कि क्या ये इंडिया में बैन हो सकती है, तो मुमकिन तौर पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका ऑल्टरनेट भी मौजूद होगा, और जो है वो मैंने आपको पहले ही अपने चैनल के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये अब बैन हो सकता है। और उसके बाद ये सारी की सारी न्यूज जो है वो न्यूज पेपर के अंदर और दूसरे यूट्यूबर्स ने बनाना शुरू की, इवन के न्यूज से पहले भी मैंने आपको ये कवरेज दे दी थी। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहां पर बताता चलूं कि आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बिकॉज ऑफ आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करनी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज रात को जो न्यूज रिलीज वीडियो रिलीज होगी तो वो याद रखिएगा कि वो माइनिंग के हवाले से यहां पर आप फ्री में इजीली आप अर्न कर सकते हैं। 5 तरीके हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर कीजिएगा अगर आपको एक समझ में नहीं आता, दो नहीं समझ में आता, एटलीस्ट 3 तो समझ में आएंगे। 3 का मतलब ये होता है कि आप महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ, ये मक्खी बहुत तंग कर रही है, सिर्फ और सिर्फ $300, $500 इजीली अर्न कर सकते हैं। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको, एक एप्लीकेशन के अंदर आपको, एक तरीके के अंदर आपको $100 जो है वो इजीली अर्न हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप 3 को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तीनों के अंदर प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, तो इजीली क्या होगा, आपके लिए $300 बन जाएंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा कि रेफरेंस से भी आप अलग से अर्निंग कर सकते हैं,
पूरा का प्रूफ मैंने आपने विड्रॉवल करके आपको बताया उस वीडियो के अंदर, और उसके बाद जो है वो माइनिंग करके भी मैंने आपको बताया, मैंने अपने रेफरेंस भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा आप उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चैनल को जो है वो आपने सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि 3 अपॉर्चुनिटी 5 अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी है। अगर करनी है तो यहाँ तो रास्ते बहुत सारे आपके पास हैं, यहाँ पर मैं भी दे रहा हूँ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप लेना चाहेंगे तो एक आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं माइनिंग की इस एप्लीकेशन के ऊपर फॉर द टाइम बिंग। अभी के लिए पिछली जो वीडियो है वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद फाइवर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वो याद रखिएगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट मौजूद है, मेक श्योर कीजिएगा वो भी आप सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, तो उसको आपने लाजम सुनना है। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियोस के अंदर। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।